नमस्कार। बीसी न्यूज की doctor.com में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अतुल तेलरांदे, जो कि सीताबर्डी स्थित आयुर्वेदिक शिवशंकर आयुर्वेदिक में पिछले 20 सालों से आयुर्वेदिक की जो है आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही वे शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे फैटी लीवर के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे स्टूडियो में। फैटी लीवर के बारे में आज हमारे दर्शकों को आप जानकारी देने वाले हो। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे फैटी लीवर क्या है और इस बीमारी के लिए जो वजन घटता है इस बीमारी में, तो क्या बताओगे किस तरह से ये सब प्रोसेस जो है इसमें होती है, क्या बताओगे? देखिए मैम, जैसे आपने पूछा है फैटी लीवर, फैटी लीवर क्या चीज़, तो ये लीवर से संबंधित डिजीज है, ये आप उस डिजीज की वर्ड में ही समझ गए। फैटी लीवर बोला यानी फैट डिपॉजिटेड होगा आजू बाजू लीवर के। तो जब लीवर आपका फैटी हो जाता है, उस लीवर के आजू बाजू फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस डिजीज को हम फैटी लीवर बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि फैटी लीवर इससे ही आपको सिम्टोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ओवर कंजम्पशन ऑफ फैट, स्पाइसेस, ऑयली, जंक फूड, टाइम बे टाइम खाना, ओके, रात को जागना, ठीक है, इरेगुलर फूड हैबिट्स, इन सारी परेशानी की वजह से, इन सारी तकलीफों की वजह से या इन सारे हैबिट्स की वजह से आपका लीवर का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी में फैट डिपोजिशन हो जाता है एंड यू स्टार्ट गेनिंग वेट। तो वेट गेन भी हो जाता है और आजू बाजू लीवर के फैट भी डिपॉजिट हो जाता है। उस डिसऑर्डर को हम लीवर डिसऑर्डर में फैटी लीवर कहते हैं। बिल्कुल, ये फैटी लीवर जो होता है इसका लक्षण क्या है और इसके उपचार पद्धति किस तरह की होती है? देखिए फैटी लीवर में शुरू में कुछ खास लक्षण नहीं मिलते। जैसे आजकल हम सभी को थोड़ा बहुत जलन होना, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, एसिडिटी का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा कभी कभी मॉर्निंग में एसिड की वॉमिटिंग आ जाना या गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स आना, थोड़ा हैवीनेस इन राइट साइड ऑफ चेस्ट और राइट साइड ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया, चेस्ट के थोड़ा नीचे का पार्ट, पेट में जलन होना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, ये माइल्ड सिम्टम आजकल कम ज़्यादा सबको रहते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो जो हम फैटी लीवर की बात करते हैं उसमें अगर ग्रेडेशन दिए हुए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, जहाँ पे ग्रेड 1 फैटी लीवर है वहाँ पे कुछ खास सिम्टम्स नजर नहीं आते, लोगों को 19-20 एसिडिटी होती रहती है। लेकिन जब ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की बात करते हैं देन वी नीड मेडिकल इंटरवेंशन, इन दैट मेडिकल अटेंशन उसको ज़रूरी है। तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फैटी लीवर में एसिडिटी का ज़्यादा बढ़ जाना, वॉमिटिंग होना, हैवीनेस फील होना, कई बार आपको गैसेस डिस्टेंशन होना, कई बार आपको जॉन्डिस जैसे सिम्टम भी नज़र आते हैं। और अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट करके देखेंगे तो आपको बिलीरुबिन और उसमें उसके एंजाइम्स जो है लीवर के SGOT SGPT वो बढ़े हुए नज़र आते हैं और मेटाबॉलिज्म में इशू आ जाता है। आप जो खाना खाते हैं उसको प्रॉपरली पचा नहीं पाते, देन यू बिगिन टू ग्रो ओबेस, वेट गेन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी परेशानी आपको फैटी लीवर डिसऑर्डर में नजर आती है। बिल्कुल, NAFLD के विकास के लिए जोखिम में क्या, मतलब कौन जोखिम में होता है इसमें? देखिए NAFLD यानी नॉन एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक उसको अपने डिस्टिंग्विश कर दिया। एल्कोहलिक लीवर डिसऑर्डर भी एक चीज़ है, लेकिन यूजुअली जो लोग एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते लेकिन स्पाइसी ऑयली खाते हैं, रेगुलर डाइट पैटर्न में रहते, फैटी डाइट ज़्यादा खाते हैं, जंक ज़्यादा खाते हैं, इन लोगों को यूजुअली फैट डिपोजिशन होता है और फैटी लीवर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है? देखो आगे जाके ये अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर पेप्टिक और इसोफेगल और गैस्ट्रिक अल्सर्स में भी डेवलप हो सकता है। गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन भी इसको हो सकते हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन के अदर कॉम्प्लिकेशन भी इसको नज़र आ सकते हैं। हाइपर एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना, आगे जाके दैट कैन लीड टू अदर डिजीजेस एज वेल। तो ये भले अपने को शुरू में माइनर लगता है, ग्रेड 1 में तो कोई लक्षण नहीं नजर आते, लेकिन जैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 में आप जाना शुरू हो जाते हैं रिस्क स्टार्ट हो जाती है। इसके एसोसिएटेड अगर किसी को डायबिटीज है, बहुत सारे लोग डायबिटिक टाइप 2 डायबिटिक मेलेटस जो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, या हाइपर लिपिडेमिक पेशेंट जिसको लिपिड उसके बॉडी में ज़्यादा है, ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं इससे, क्योंकि उनको हो सकता है ये और इससे उनको हार्ट डिजीज अगर उनको इसके साथ भी है तो और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। फैटी लीवर रोग जो है खतरनाक क्यों है?
देखिए, शुरू में तो एकदम ग्रेड वन में खतरनाक नहीं रहता है, और थोड़ा बहुत फैटी लिवर आपको सबका नज़र आएगा आजकल के पैटर्न में। जैसे मैंने आपको कॉजेस कारण उसके बताया कि इन कारणों से, क्या कारणों से, इरेगुलर डाइट पैटर्न, फैटी इनटेक ऑफ फूड, जंक फूड। आप कोई मना नहीं कर सकता, हम पार्टीज में जाते हैं, रात को शादियों बिल्कुल में जाते हैं, शादियों का जो मेन्यू है वो पूरा फैटी लीवर को पोषण, तो नो वन कैन डिनाई, वो हर आदमी वो कंज्यूम करता है, ठीक बिल्कुल है। और एंड ही इज लीडिंग टू द ग्रेड वन फैटी लीवर सूनर और लेटर, तो वो कोई इशू नहीं। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये इनटेक अगर ज़्यादा रहे, इसको कोई इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया या फिर खाने पीने में रोकथाम नहीं किया, परहेज नहीं किया, देन इट कैन लीड टू ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री फैटी लीवर, और देन इट बिकम्स डेंजरस। मीन इट मे कन उसको वो जाके सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर पैरेन्काइमल डिसऑर्डर्स या और भी किसी प्रॉब्लम्स में जा सकता बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि फैटी लिवर कितना खतरनाक रोग है, तो इस रोग में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली हमने देखा कि जिस तरह से जो अभी जिस तरह की हमारी दिनचर्या है, जो खान पान है, उसके वजह से ये फैटी लिवर का प्रमाण बढ़ रहा है। क्या बताओगे? है। देखिए, खाने का आपका जो पैटर्न है आजकल, आजकल जो खाने का पैटर्न है वो साइंटिफिक नहीं रहा है। पहले आप देखते थे कि पहले के ज़माने में लोग जो खाना खाते थे वो साइंटिफिक और टाइमली खाते थे। आजकल जैसे 3 मील्स का पैटर्न आ गया है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉडर्न आफ्टरनून लंच, और इवनिंग में फिर लेट नाइट डिनर। तो बिल्कुल लेट नाइट डिनर्स आर डेंजरस। यानी जैन पद्धति में आप देखेंगे तो खाना जनरली सनसेट के पहले खा लेना चाहिए। पुराने लोगों में, आयुर्वेद में भी और बहुत सारे इसमें भी आप देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे तो 2 मील्स आर ओके इन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड दैट टू बिफोर सनसेट। शाम का खाना लाइट हो। खाने में हम लोग तेल कितना खाते हैं आप देखिए, किसी से भी पूछ लीजिए आप कि जो ऑयल इंटेक्ट अपना होना चाहिए, वी कंज्यूम 4 टाइम्स 5 टाइम्स मोर ऑयल देन वी बिल्कुल शुड। तो हम इतना ऑयली खा रहे हैं, और पैटर्न में जैसा चल रहा है मैं बता रहा हूँ कि जंक फूड खा रहे हैं। बाहर खाते हो तो उसमें ऑयल ज़्यादा ही पड़ा रहता है, क्योंकि उनको टेस्टी और स्पाइस सब्जी स्पाइसी और टेस्टी बनानी है तो स्पाइसेस एंड ऑयल ज़्यादा पड़ा है। तो ऐसे सेम में चीज़ हम क्या घर पे भी करते हैं, बिल्कुल हम डिशेज को स्पेशल डिशेज वीकली जैसे भी बनाते हैं उसमें और ज़्यादा एडिटिव्स डाल देते हैं, मसाले हो गए और वो सारी चीज़, एंड दैट लीड्स टू डिजीज। ये उसका कॉज है, ये उसका कारण है। अब आपको इसको हटाना पड़ेगा। यानी बिल्कुल आपको खाने में कोई इशू नहीं, खाइए, लेकिन जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ, जिससे आपको एसिडिटी ना हो, आपको अच्छा सा पेट मतलब आपका शरीर हल्का रहे, अपनी साथ दे वहां तक या ही खाए। जिस एज में है, जितना आपका फिजिकल लेबर है, एक्सरसाइज जितनी है, जितना काम है आपका, वो आप डाइजेस्ट कर सके तो आप खाइए, कोई इशू नहीं। पहले बिल्कुल के लोग हरी मिर्ची खाते थे, पचा लेते थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन आजकल लोग हरी मिर्ची भी खाएंगे, स्पाइसी ऑयली भी खाएंगे और काम भी नहीं करेंगे, बैठ के रहेंगे। बिल्कुल तो ऐसे में अब क्या खाना चाहिए जो फैटी लीवर जिन्हें है या फैटी लीवर ना हो, उसके लिए अब क्या खाना चाहिए, किस तरह का खान पान हमें रखना चाहिए, क्या बताओगे? ऑयल इंटेक कम कर देना चाहिए, स्पाइसेस कम खाने चाहिए, और एक्सरसाइज को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि वो जो भी खाए वो पच जाए। रफेज या इस काइंड के जो फाइबरस डाइट है वो ज़्यादा लेना चाहिए। लाइट डाइट शुड बी कंज्यूम, डाइट को कभी भी हेवी ना करें, ओके। और टू, शाम का खाना हल्का हो, थोड़ा सा सनसेट के पहले खा ले। जिन लोगों को नहीं खा सकते वो लेट खाते हैं, तो रात को चावल हो गया, स्पाइसेस हो गए, ऑयली फूड जो हम शादी में खाते वो चीज़ ना खाएं। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करने से यू कैन प्रिवेंट दिस डिसीज। बिल्कुल यानी हल्का खाए, पेट को बिल्कुल हल्का रखे, और एक खाने का पैटर्न होता है। देखिए, चतुर्विध आहार को त्रिविध कुक्ष ने ऐसे खाना चाहिए, चरक में लिखा है। त्रिविध कुक्ष ने यानी करिए आपका जो स्टमक है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, उसको आधा काट लीजिए, काटना है नहीं, आधा डिवाइड कर लीजिए। आधा पेट आपका सॉलिड फूड से हो, फिर जो आधा पार्ट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो 1/4 आपका लिक्विड फूड से हो और 1/4 शुड बी वैकेंट। इसको त्रिविध कुक्षय कहा जाता है। तो इस पैटर्न से आप खाना खाओ, जो सॉलिड है वो अगर हैवी है तो वो आपके तृप्त, यानी जहाँ आपको लगता है कि मैं, मेरा पेट भर गया, उसे आधा खाए। अगर लाइट डाइट है तो यू कैन, जब पेट भर रहा है उसी समय आपको रुक जाना चाहिए। सेंसेशन हर आदमी का, ये जो क्वांटिटी हर आदमी में डिफरेंट रहेगी उसकी डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से, तो उस नियम से अगर आप खाते हैं ना, तो आपको कभी कोई भी डाइजेस्टिव इश्यू, शायद चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो या इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो, कभी नहीं होगा। बिल्कुल आपने जैसे अभी आयुर्वेद के तरीके से खाने का जो है पेट के 4 हिस्से करके खाना चाहिए इस तरह की बात कही है, तो क्या आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक दवाई या ऐसी है कि जिससे फैटी लीवर की जो समस्या है उसे हम मतलब टाल सकते हैं या उसे मिटा भी सकते हैं? श्योर श्योर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे हम पचनारिष्ट यूज़ करते हैं,
फिर हमारे पास गैसोलिव करके सिरप आता है, लियोटेक्स सिरप आता है, लिवरॉल सिरप आते हैं, ये खासकर लीवर के ऊपर काम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। तो जो भी खाना आपने खाया है, अगर इनकेस आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको परहेज तो करनी है, इसके बाद ये मेडिसिन, लिवोटेक्स कैप्सूल है, लिवोटेक्स सिरप है, लिवरॉल सिरप है, गैसोलिव सिरप है, एसिकेयर सिरप है, एसिकेयर कैप्सूल है, इसके अलावा लैक्जी कैप्सूल आती है, उसे लैक्जी चूरन पाउडर भी आती है। इनके साथ अगर ये मेडिसिन ली जाए तो फैटी लीवर इज नॉट ऐसा बिग डील टू बी ट्रीटेड, हम उसको क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह उसको ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, वी हैव एनफ मेडिसिन टू क्योर दिस, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको हो रहा है या फिर आपको संभावना है या फिर आपको प्रिवेंट भी करना है, तो यू कैन कंज्यूम दिस मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और डॉक्टर्स एडवाइस। बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी फैटी लीवर की बात कही, फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से ये ठीक हो सकता है आयुर्वेदिक दवाइयों से, ये सब जाना, तो हमारे दर्शकों को आज आप क्या संदेश देना चाहोगे फैटी लीवर से बचने के लिए, अगर फैटी लीवर है तो किस तरह से उन्हें आगे की जो है जाँच करा कर दवाइयाँ लेनी है, क्या बताओगे? जी, तो टेक होम मैसेज एक ही है कि देखो, जैसे हार्ट अपने पास एक है वैसे लीवर भी एक ही। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए तो अलार्म है कि वो अल्कोहल को आइधर बंद कर दे या लिमिट्स में रखें, क्योंकि लीवर खराब हो गया तो एक ही है। अच्छा, जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते वो कई बार समझते हैं कि हम कुछ लीवर का कोई इशू नहीं ये हो, बहुत लेकिन जो लोगों नॉन अल्कोहलिक लोग हैं, अल्कोहल कंज्यूम ना करने वाले लोग, अगर ऑयल और स्पाइस ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए अल्कोहल कंज्यूम करने जैसा ही प्रॉब्लम है, वो अल्कोहल कंज्यूम करने जैसे प्रॉब्लम है जो कि आपको डिजीज, लीवर डिजीज कॉज कर सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, जिसमें आगे जाके वो सिरोसिस या लीवर कैन गेट इनटू द फेलियर, तो रिस्क तो वहाँ पे भी है। इसलिए खाने का जो नियम मैंने आपको बताया आयुर्वेद का, वो टाइमली खाना खाइए, 2 मील में डिवाइड कर लीजिए, जो डायबिटिक है उनको 3 मील अगर डॉक्टर ने, मॉडर्न डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो आप वैसे लीजिए, शाम का खाना हल्का होना चाहिए, और खाने में फाइबर्स, रफ एजेस, लाइट चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट, और खाने का जो नियम आपको मैंने बताया, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियाँ सब खाइए, और जो आपको बताया जंक फूड को ज़्यादा अवॉइड कीजिए। आप जंक खाने का पैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेस्ट चेंज के लिए आप खा सकते हैं लेकिन उतना ही खाइए जितना आपको डाइजेस्ट हो। तो खाना जो आपको डाइजेस्ट हो और जब आपको भूख लगे और सनसेट से पहले खाए तो डाइजेस्ट भी होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। बिल्कुल, आज हमने हमारे doctor.com इस कार्यक्रम में आपको फैटी लीवर के बारे में जानकारी दी है। हमारे साथ डॉक्टर अतुल तेलरांदे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया है कि किस तरह से आप जो है फैटी लीवर से बच सकते हैं, अगर फैटी लीवर है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज यही रुक समय हो गया है यही रुकने का, आप देखते रहिए NBCN न्यूज़। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।